भदानी नगर क्षेत्र के मतकमा से दर्जनों गांवों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क की हालत बद से बदतर है। सड़क को लेकर स्कूली बच्चों ने मजबूर होकर जनप्रतिनिधियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बच्चों ने हाथों में स्लोगन लिखी तख्ती लेकर लादी मोड़ से जर्जर और जलजमाव वाले सड़क पार करते हुए मतकमा चौक तक विरोध पैदल मार्च किया। सड़क में जगह जगह सैकड़ों गड्ढे बन चुके हैं, जिससे राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को जर्जर और कीचड़ भरी सड़क से होकर आना जाना पड़ता है। इन्हीं परेशानियों को लेकर आखिरकार कलम पकड़ने वाले नन्हे हाथ तख्ती थामे सड़क पर उतरकर सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। लोग 6:30 बजे से यहाँ खड़ा है, हमारे अपने बस के वेट कर रहे हैं, पर बस आ नहीं रही है। एक दिन हम लोग पैदल चले जाएंगे, पर फिर रोज बरसात है, धूप है, हम लोग रोज कैसे आना जाना करेंगे। एक तो हमारा बैग इतना भारी रहता है और उतना दूर मतकमा चौक आना जाना, जिसमें भी रास्ता अच्छा नहीं है, लोग स्लिप करके गिर जाते हैं, तो इस सब का जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या लगता है, सड़क बनना चाहिए? बनना चाहिए, ऑफ कोर्स बनना चाहिए। बहुत प्रॉब्लम होता है इस सब में जाने में, बस में भी बहुत दिक्कत होती है, सब कोई को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अपना नाम बताइए। रिया कुमारी। वहीं ग्रामीणों ने कहा है कि ये कह पाना मुश्किल है कि सड़क में गड्ढा बना हुआ है या गड्ढे में सड़क बनी हुई है। हार के लास्ट में होता है ना कि अब लास्ट में अब कुछ नहीं किया जाएगा तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए आज हम लोग 3 स्कूल मिलके इसके लिए आज हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर आप मुख्य मार्ग को देखेंगे, जो ये मुख्य मार्ग है यानी 4 लेन से कनेक्ट करने के लिए, अगर रिमोट क्षेत्र जो ग्रामीण एरिया जो रूरल एरिया इसको कनेक्ट करने के लिए मात्र यही एक मार्ग, और इसी मार्ग का हाल ये है, कंडीशन ये है कि आप पता नहीं कर सकते हैं कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क बना हुआ, ये कंडीशन। जबकि यहाँ से कम कुछ नहीं तो 40 से 50 गांव इससे कनेक्ट, इसी मुख्य मार्ग से, लेकिन 40 से 50 गांव कनेक्ट होने के बाद जो कि जितने भी एरिया है, ये सारे क्या है, एक रूरल एरिया है, रिमोट एरिया, पहाड़ से लोग आते हैं, यहाँ से 5-6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर बिलोंग करता है जिसको ये मुख्य लाइन से आके जुड़ना होता। अगर आप सिर्फ एक कल्पना कीजिए कि अगर रात में किसी का तबीयत खराब हो जाए और उसको अगर इस मार्ग से आना पड़े तो यही कहेगा कि भैया और कोई शॉर्टकट हो तो खोज लेंगे, लेकिन इससे नहीं जाएंगे। ये हाल है सड़क। इतने सारे जनप्रतिनिधि हैं, हर बार चुनाव के समय बस एक घोषणा, सड़क बनवा देंगे, और होता धरातल पे कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये घोषणा, अदर और कुछ नहीं। स्कूल प्रबंधन की ओर से बस सेवा पर रोक लगा दी गई है। प्रबंधन के अनुसार जर्जर सड़क के कारण आए दिन बस में तकनीकी खराबी हो रही थी। इधर बच्चों को स्कूल तक पहुंचने में बड़ी समस्या हो रही है। आज बस का इंतजार में 6:30 बजे आधा घंटा पौन घंटा का बस नहीं आया। इसी तरह इस लादी चिकोर के बच्चे आगे भी जाके देखिएगा, वहाँ भी काफी लगभग 100 के संख्या में बच्चे आज बस के चलते आज स्कूल नहीं जा रहे हैं। आज इस बच्चों का भविष्य क्या होगा ये आपको तय करना है और हमारे सरकार को तय करना है। सरकार तो अभी चला रही है कि घर पंचायत पंचायत में अपना विकास को बता रही है, लेकिन विकास आपके सामने दिख रहा है कि क्या पोजीशन में है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम कृष्णा कुशवाहा हुआ और मैं लादी का रहने वाला हूँ। बताया जा रहा है कि लंबे समय से सड़क बहुत ही जर्जर स्थिति में है। सड़क की मरम्मती के लिए पिछले कई सालों से मांग हो रही है, बावजूद इसके अब तक ये सड़क नहीं बन सकी। पंजाब के केसरी टीवी के लिए रामगढ़ से अविनाश गोस्वामी की रिपोर्ट।